प्रेम राम जो खेजड़ली के मशहूर फ्रेंड्स बिहार बॉर्डर पर पिकअप वाले की मन मर्जी दोस्तों अभी है हम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों अभी शाम के बज चुके हैं 5:30 और अभी हम है इलाहाबाद बाईपास। 5:30 बज चुके हैं और हम है इलाहाबाद बाईपास में और ये हमारे मित्र है सैटी जी और ये पुखराज जी ढाका साहब और ये अपने प्रकाश जी। हम चार गाड़ी है दोस्तों, हाँ बंगाल के लिए जा रहे हैं फ्रेंड्स। चार गाड़ी है, इन्होंने डीजल डलवाया इधर में। हमारे पायलट साहब है खेजड़ली के, पायलट फेमस है वो। हाँ तो दोस्तों हम सभी अभी जा रहे हैं और अभी खेजड़ली गांव के इनके मौसी के लड़के लगते हैं यार, क्या मालूम नहीं रिश्तेदारी है इनका। और हम चारों गाड़ी है अभी चल रहे हैं, जा रहे हैं बंगाल 63 गांव के शहीद गांव के। हाँ ये प्रेम राम जो खेजड़ली के मशहूर गाड़ी चलाते हैं, मेला प्रशंसक यही मेला लगाते हैं खेजड़ली का, पूरा यही करते हैं। तो दोस्तों हम निकलते हैं, रवाना होते हैं, चले चलो भाई साहब। ये वाला गाड़ी है भाई साहब और ये अपना सेठी जी का गाड़ी है दोस्तों, इनका पुराना वाला गाड़ी। चले सेठी जी, ओके दोस्तों। तो और पीछे खड़ा है हमारा रानी और ये इधर वो दो गाड़ी डीजल डलवाया, ओनली दो गाड़ी। तो फ्रेंड्स सभी गाड़ियां निकल चुकी है और हम भी अभी लगाते हैं गाड़ी का सलाब और चलते हैं। मैं पीछे से डीजल ले लिया, ठीक है। ये भी BS6 गाड़ियां, इधर राजस्थान भर से टैंक फुल था इनका और ये गाड़ियां इधर आई है और मेरा गाड़ी में थोड़ा डीजल ज्यादा आता है दोस्तों, तो मैं पीछे ही ले लिया। तो फ्रेंड्स अभी हो चुके हैं रवाना और अभी शाम का टाइम है, बारिश का मौसम है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बाईपास के अंदर बहुत लंबा बाईपास है, 80 किलोमीटर बाईपास है दोस्तों। ये शाम का टाइम चल रहे हैं अभी रेस, चारों गाड़ी है दोस्तों, सब गाड़ी बंगाल का है, ठीक है। अभी सुबह से ज्यादा किलोमीटर तो कुछ नहीं निकाले, पर सुबह 4 बजे आके सोए थे कानपुर पार करके, फिर नाना धोना काफी टाइम हो गया, 1:30-2 बजे उधर से रवाना हुए, 2 बजे रवाना हुए, फिर बाद में मतलब काफी टाइम डीजल डलवाया है ऐसे पलन बिगड़ा। तो साथ होता तो साथ की गाड़ी ऐसे ही चलती है। बाईपास के आधे टे का हमारा मारवाड़ी का मतलब आधा आ चुके हैं, क्योंकि इधर घंटे बहुत हो चुके हैं तो गाड़ी चलाने में बहुत प्रॉब्लम होता है यार, बार बार ब्रेक जितना गाड़ी डीजल खा जाता, तो यही कारण है बारिश का। देखो क्या पूरी रोड पे एकदम गाड़ी रोक दिया, ठीक है दोस्तों। ये सड़क है यार, मतलब मैं इधर चल रहा था, इसने सामने ब्रेक किया, अभी ये देखो आगे जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे भी लोग है, आगे वो पुखराज भी चल रहे हैं और पीछे हमारे सैटी जी, वो देखो आ रहे हैं, ये गाड़ी पीछे है। फ्रेंड्स अभी काफी अंधेरा हो चुका है और ये अपने लमसम 6:30 बज चुके हैं और से कम 8-10 किलोमीटर पहले टोल आता है उधर में है और कम से कम 7:30 बज चुके हैं और अभी इधर आ चुके हैं, रुके हैं, थोड़ा टायर देखेंगे गाड़ी का और चाय पियेंगे और दोस्तों हम इधर बनाए रुके और वो गिरा रहे हैं पानी सेठी जी, सात का टाइम है, पानी भर गया है, पानी निकाल रहे हैं अभी यहाँ से, रवाना होंगे, थोड़ा चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद में यहाँ बाद में ऐसा चाय का ढाबा मिलता है, क्या करे मजबूरी में। हाँ, यहाँ चाय का ढाबा है और वो सेठ जी खड़े, गाड़ी वालों का बहुत बुरा हाल है और गाड़ी के ऊपर हमारे भर गए पानी, ये हमारे बड़े भाई है पानी निकाल रहे हैं। मैं बता छोड़ो, एक ही कौन एडिट करता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये भाई साहब देखो पानी के लिए कहाँ चढ़े है यार, बारिश का मौसम बहुत खराब है। कोई भी भाई पीछे ड्राइवर आ रहे हैं, वो गाड़ी का अपना तिरपाल बांध के आए, बहुत बारिश गिर रही है। अभी हम रुके हैं, ये टोल प्लाजा है, यहाँ पे रुके हैं, पियेंगे, यहाँ से चलेंगे, बांध के ही आए सभी। बहुत बारिश है यूपी में, जो भी भाई आए अपने डिस्ट्रिक्ट पे आए, कम से कम एक एक टंकर पानी पड़ा हुआ है इन गड्ढों के अंदर में, वो निकाल, और जो भी भाई आए इस ढाबे में एक बार चाय जरूर पिए, इनका चाय थोड़ा टेस्टी ज्यादा है।
और ये आ गए हमारे फिर से खुदरली के वो भाई मेला निरीक्षक ये हमारे जो गांव छोटा सा रामनगर है उनके किंग है क्रिकेट के प्रकाश भाई इनके नाम है। प्रकाश भाई यहाँ आपको आगे कैसा लगा? बारिश बहुत ज्यादा है आज, बहुत ज्यादा मजा ही मजा है गाड़ी के साथ। हालत है अभी ये भाई पानी गिरा के आए हैं, अभी चाय पियेंगे अभी ढाबे पे। जो भी पीछे भाई आ रहे हैं पानी एक एक टंकर ऊपर पानी पड़ा दोस्तों, ठीक है ना। जो भी भाई आ रहे हैं पीछे वो तिरपाल करके आए अपने अपनी गाड़ी पे सीधा करे खड्डा नेरा के लिए। और ये मतलब टोल का क्या नाम है? बदई टोल है। हाँ बदई ट्रेंड तो इधर हमने रुके हैं और पानी तो निकाल में चलते हैं। हाँ साथ में चलते हैं, अभी काफी दिनों बाद मतलब इनका साथ हुआ। ऐसे चलते हैं पर मतलब पहली बार हुआ है, चलते हैं हम साथ में ही है। काफी टाइम बाद हाँ काफी टाइम बाद मिले, ये बात है फ्रेंड। सर्कल बहुत बड़ा है अपने पुक जी प्रकाश जी ये क्रिकेट के हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी रामनगर। हाँ रामनगर पिंटू क्लब। अच्छा पिंटू क्लब का। हाँ वाह पिंटू क्लब का दोस्तों। हाँ सभी इधर बनारस है तो गाड़ियों ने डीजल डलवाया, BS6 गाड़ियों की गाड़ी रवाना हो चुकी है, ये गाड़ियों ने यहाँ डीजल फुल करवाया है और अभी हम निकलते हैं ना बनारस है दोस्तों। बनारस है अभी बिहार में घुसेंगे, अभी बॉर्डर आएगा आगे बनारस से मतलब नौबतपुर बॉर्डर बोलते हैं फ्रेंड। तो मेरा गाड़ी में थोड़ा क्या आवाज आ रहा है सड़ का कोई, या तो फ्रेंड्स इधर इंजन के होस पाइप होता ना वो ज्यादा ढीली रह जाती है दोस्तों। वो फेमस है। हाँ फेमस है हमारे RJ19 के लिए तो बस फाइनल है। इधर परमानेंट RJ19 का बॉडी गाड़ी 12 चक्का 16 चक्का सब इधर रुकता है, टेलर सब चाय पीता है और रुकते ही बोलता पति ठोके और चीनी रोके। तो दोस्तों चीनी रोके आपको चाय पिलाएंगे। जोधपुर का फेमस है, ये जोधपुर है इधर का लोकल बनाता जोधपुर की चाय दोस्तों। आपको आज चाय पिलाते हैं हम दिक्कत है। जोधपुर वाले कोई भाई आए यहाँ चाय पी के जाए एक बार जरूर, जोधपुर का टेस्ट लेके जाना टेस्ट बनारस में यूपी में फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये है इधर चाय का ढाबा मतलब रॉन्ग साइड के अंदर में, धन्यवाद सेठी जी। इस साइड में है मतलब सामने गाड़ी खड़ा रही जोधपुर की गाड़ी आके रुकी और ये है ढाबा, ठीक है दोस्तों। ये भैया है जो चाय बनाते हैं बहुत, और देख लो दोस्तों अभी चाय बनेगा और जब तक हम ये इसको नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता कर लेते हैं, अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गई यहाँ बिहार में खाना बहुत कम मिलता है चावल की। कम से कम कितना टाइम लग जाए? 11 बज गए अभी, वहाँ जाते जाते 2-3 बज जाएंगे दोस्तों, 2-3 बज जाएंगे वहाँ। फ्रेंड्स ये बना रहे हैं भैया चाय प्योर दूध का, ये चाय पीने के बाद में लगाएंगे घी और गड्ढे भी इतने हैं कि मतलब अब इसका गाड़ी पलटी होने की कगार पर है। वो हमारे साथ वाले गाड़ी को बोल रहा तुम आगे करो, ये गाड़ी पलटी कर रहा जान बूझ गई, इसको पता है कि आगे गड्ढा है तो मैं क्यों डालूंगा। आज बिहार में हमारे MR बस सर्विस फ्रेंड्स दोस्तों, जोधपुर की बस, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ जा रही है भाई? हमारे जोधपुर की बस है फ्रेंड्स और आज बिहार बॉर्डर पे है, आप देख लो पहली बार हमने देखा है बस। रांची जाएगा ये, जाम लगा हुआ है बॉर्डर पे दोस्तों, ठीक है। अब गाड़ियां कैसे लोग काटेंगे कैसे निकालेंगे यार, हद हो गई है, परेशान हो गए यार। ये बिहार के अंदर इंटर होते ही मौनिया बॉर्डर है, ठीक है। अब धंधा धुंद गाड़ियां आ रही है, लोगों ने ऐसे गाड़ियां खड़ी कर दी गाड़ी निकाले तो देखो, ये देखो ये ऐसे लोग है जैसे कि ये मर जाएंगे, ठीक है ना। बाप का जमीन खड़ा ले लिया, क्या करें यार दिमाग ही काम नहीं। ये हमारा गाड़ी आ गया। तो फ्रेंड्स इधर हम आए हैं बिहार बॉर्डर पार करने, हमारा गाड़ी आ गया तो इसलिए हमको अभी पार होना हो जाए, नहीं तो इधर डालने भी नहीं दे, कंडीशन इतनी हालत खराब है आप देख लो। ये अपने प्रकाश जी का और पीछे है सेठी जी, क्या करे गाड़ी डाले तो कहाँ डाले यार, लोगों ने ऐसा गाड़ी खड़ा किया है
ये भर भर के एंड रात को इधर बॉर्डर पे बहुत जाम लगता है। ठीक है, रोड अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, मैं एक पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ, रोड में इतने गड्ढे हैं कि टायर हमारे मतलब एक दो गुड़। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 1:30 और हम पहुंच चुके हैं सासाराम, जो बिहार के अंदर में है सासाराम। तो इधर अभी क्या खाना खाने का विचार है, भाई लोग ने गाड़ी रोका है, होटल है मतलब आगे है पर रोड पर ही है, अभी खड़ा हमारा। और अभी क्या विचार है इन भाई लोगों का देखते हैं, इनसे पूछते हैं। तो सब गाड़ियों ने होल्ड कर दिया है और इनसे पूछते हैं, राय लेते हैं भाई साहब से, क्या राय है सेठ जी अभी क्या। तो फ्रेंड्स ये है सेठ जी का BS4 गाड़ी, दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये BS4 है, कोई बोल दे माइको लाल के ये गाड़ी 2017 मॉडल है तो मानने को तैयार नहीं है लोग। ये देख लो गाड़ी का आवाज, और ये गाड़ी का ट्रॉली है फ्रेंड्स, और ये गाड़ी 2017 मॉडल है। ठीक है, इनके पास में मतलब और भी गाड़ियां हैं, ये सेठी जी के पास में अभी मतलब ये गाड़ी देख लो, ये 17 मॉडल गाड़ी है। ठीक है, हाँ इन्होंने खुद चलाया गाड़ी। ठीक है, ए टू जनरल काम किया। तो दोस्तों गाड़ी ये रोड पे खड़ी है अपनी, और इधर दिक्कत तो कुछ है नहीं मतलब, और होटल है ये वो आगे वाला इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप बीकानेर का महाराज। तो दोस्तों इस प्रकार से ये खाना खाते हैं, आप देख लो साथ में बैठ के हमारा एक ही पार्ट में बैठ के खाना लगे नहीं खाते तो खाना खाने निकलने के बाद में ये क्या प्रॉब्लम हुआ यार, यूरिया वाला फिल्टर है। दोस्तों अभी रात के बज चुके हैं 2:30 और हम सासाराम के पास में है, डेयरी सासाराम। दोस्तों तो ये है जो दोस्तों सासाराम के पास में रोड है बिहार में। तो फ्रेंड्स बिहार में तो पूरा रोड ऐसे ही है, बाकी स्टेट की तो मैं थोड़ा, ये देखो दोस्तों। ठीक है, ये बिहार का है, यहाँ पर दोस्तों ये गड्ढे पूरे 200 किलोमीटर में यही है फ्रेंड्स। और यहाँ क्या, जब कोहरा आएगा ना तो कोहरा में हजारों गाड़ियां मतलब इधर हादसे का शिकार हो चुकी है, क्योंकि जगह जगह ये देखो ये कर दिए है। ठीक है, अब चढ़ाई है, चढ़ती चढ़ाई में ये है लपड़ता बिहार में, 200 किलोमीटर सिटी रोड चलता है, दिल्ली कोलकाता रोड वो भी कंप्लीट नहीं है। और दोस्तों तो सुबह के बज चुके हैं अभी 10 और अभी हमारा क्या है कि रवाना होने के टाइम वो हमारा सिलसिला शुरू हो जाता है टायर वाला। तो इधर है औरंगाबाद बिहार के अंदर, तो अभी जा रहे हैं हमें, एक दुकान है इधर का फेमस। ठीक है, जो दुपटी हर आइटम मिलता है, देखते हैं इस दुकान पर क्या मिलता है, चड्डी अंडरवेयर सब मिलता है। हाँ चड्डी अंडरवेयर, हाँ ये दुकान है इस भाई का दोस्तों, हर चीज सामान मिलता है, काफी लोग लेते हैं इसके, हर चीज का आइटम दुपटी वगैरह सारा सामान